खबर उन्नाव से है, जहां बारफात पर सोमवार को अकीदमंदों ने मोहम्मद साहब के शान में नातों वे कसीदों के गूंज के साथ जुलूसे मोहम्मदी निकाला। जामा मस्जिद से किला मैदान तक निकले जुलूस में कई अजूमनों ने झंडा के साथ मोहम्मद के नारे बुलंद किए। अधिकारियों ने मेयर फोर्स के साथ मौजूद रहकर जुलूस की निगरानी की। जामा मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होता हुआ किला मैदान में तालिब सराय पहुंचा। संगठनों के कार्यकर्ताओं समेत जिला प्रशासन ने जुलूस को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई। मैं इसका बहुत बहुत इलाका पर मुबारकबाद देता हूं कि जो हमारे इलाके में उन्नाव के अंदर हमारी भावनाएं, हमारी एकता कायम थी, कायम है और हमेशा के लिए कायम रहेगी। मैं इस मौके पर सभी इलाका निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। कहता हूं कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और हम लोगों का यही सबसे बड़ा पैगाम है। जो पैगंबर आते हैं वो अच्छे पैगाम देने के लिए दुनिया में आते हैं। जो मोहम्मद साहब ने जिनको पैगाम दिया है उसी का जो आज हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, हम लोग एक हैं, एक से एक रहेंगे। इसका मैं पूरे आपके जितने भी मेरे भाई मेरे साथ करें सबको मुबारकबाद देता हूँ, और पूरे इलाका वासियों इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह हम लोग एक साथ रह के एक दूसरे के साथ बैठ के मैं गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से और गुरुद्वारा उन्नाव संगत की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरह हम लोग एक साथ जो भी त्यौहार है एक साथ मनाएं, और हमारी यही मानवता का जीता है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में, पहले हम इंसान हैं, इंसानियत का परिचय दें, मानवता से प्यार करें। जो मानवता से प्यार करता है तो वो उस मालिक से प्यार करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं, और जितने भी हमारे यहां भाई बैठे हुए हैं मैं इस समय सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप न्यूज़ वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं गुजारिश भी करूंगा कि इस न्यूज़ को